Scores of animal lovers took out a candlelight vigil at Jantar Mantar in New Delhi on Friday in protest against animal sacrifice in religious places like Gadi Mai Temple, the temple of sacred goddess of Pa in Nepal, where thousands of animals are slaughtered every year. Thousands of buffaloes, goats and roosters are sacrificed as part of the rituals in Gadi Mai festival, which is the biggest religious mass slaughter in the world. Though the number of animals slaughtered every year is decreasing, thanks to advocacy efforts by animal rights activists, it is still huge. At the two-day Gadi Mai festival in Nepal last month, as many as 4,000 animals were sacrificed. 70 to 80% of these animals are smuggled from India to Nepal, said Arpan Sharma, director of Federation of Indian Animal Protection Organization, adding, prior to the festival, pleas were submitted to the Nepal government to ban the animal sacrifice, however, to no avail. शायद कई लोगों को ये पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में नेपाल में एक अत्यंत दुखदायी घटना घटी है। भारत से ले जाए गए करीब 4 से 5 हज़ार पशुओं की बहुत ही क्रूर और बेरहम तरीके से एक हत्या कर दी गई है। गढ़ी मई का एक मेला लगता है नेपाल में, जिसमें भारत से करीब 70-80% जानवरों की तस्करी होती है। ख़ास करके जैसे कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, भैंसों के जो बछड़े होते हैं, नन्हे 3-4 महीनों के बछड़े, वहाँ पे बहुत भारी तादाद में बेरहम तरीके से कत्ल कर दिए जाते हैं। एक बाड़े में ये सारे बंद होते हैं और करीब 2-3 घंटे के दौरान बिल्कुल जो अनट्रेंड बूचर्स होते हैं वो इनका वध करते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि बछड़ों की गर्दन लटकी हुई होती है, पूरी तरह से वो मरते भी नहीं हैं, आधे जीवित आधे मुर्दे जानवर ऐसे देखने के मिलते हैं। हमने निवेदन पहले भी किया था नेपाल सरकार से इस घटना से पहले, और बहुत सारे भारत के जो पशु रक्षा कार्यकर्ता हैं, अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग देश के अलग अलग भागों से, वो सब गए थे जो हमारी सरहद है नेपाल के साथ, उसमें पेट्रोलिंग करने, ये सुनिश्चित करने कि जो भारत का कानून है, जो कि इस बात की अनुमति नहीं देता है कि जीवित पशु इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करें, इस वजह से काफ़ी कमी आई है जो पशु जो बलि हुई है उनकी। लेकिन फिर भी हमें मानना है कि यदि एक भी पशु मर रहा है तो बहुत अधिक है। तो पहले तो कई लाखों में ये हुआ करता था, इस बार कामयाबी ये हुई है कि करीब 4-5 हज़ार पशुओं की बलि हुई है। लेकिन हम आज एक शोक सभा कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे सब साथी यहाँ पर हैं, और जिस प्रकार से किसी भी जो मृत व्यक्ति होता है उसके लिए शोक सभा की जाती है, आज इन जानवरों के लिए शोक सभा की जा रही है। और हमारी उम्मीद ये है कि 5 वर्ष आगे जब ये दोबारा से गढ़ी मई का समय आएगा तो उसमें पशु नहीं मारे जाएंगे बल्कि देवी माँ की पूजा की जाएगी। पावर्ड बाय NNIS।